करनाल केंद्रीय के गढ़ी बेबर में क्रेन पर हेल्पर का काम करने वाली व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसकी मौत क्रेन से पैर फिसलकर नीचे गिरने से हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की शिनाख्त मोनू निवासी बिहार के रूप में हुई। आपको बता दें कि मोनू करनाल के इंद्री के गढ़ी बिरबल गांव में क्रेन पर हेल्पर का काम करता था। परिजनों का कहना है कि मोनू की संदिग्ध परिस्थितियों में हादसे में मौत हो गई है। अभी उन्हें पुख्ता जानकारी नहीं है। मृतक मोनू के परिजनों ने यह भी बताया कि गत दिवस उन्हें सूचना मिली थी कि क्रेन से पैर फिसलकर वह क्रेन के नीचे आ गया, जिसको तुरंत हॉस्पिटल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। बताते चले कि करनाल के इंद्री के गढ़ी बिरबल में क्रेन पर हेल्पर का काम करने वाली व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इधर पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर मर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। कैसे पता लगा था आपको? ये मालिक के थ्रू पता चला जी। अच्छा, ये एक्सीडेंट हो गया उसका जी। क्या पता चला था? क्रेन से मतलब एक्सीडेंट उसका हो गया लड़का का। कल 5 बजे शाम में हमको पता चला जी। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ये इंद्री साइड में जी, करनाल में पता जी। क्या नाम था लड़के का? मोनू जी। क्या कहाँ काम करता था कहीं? हाँ, उन्हीं के पास, मालिक के पास क्रेन चलाता था जी। किस साइड में? इंद्री साइड में। हाँ जी, इंद्री साइड में। कौन सी क्रेन? जेसीबी वाली? जेसीबी वाली जी। हाँ, तो क्रेन चलाता था जी। एक्सीडेंट कैसे हुआ, कुछ पता लगा? कोई पता नहीं चला जी। वो बोले कि गाड़ी चला रहा था और पैर स्लिप कर गया, खिड़की खुला था, बाहर गिर गया, चक्के के अंदर चला। तराबी। अच्छा, तराबी। तो पहिए के नीचे आने से नीचे चल गया जी। जैसे हॉस्पिटल लाते हुए वक्त में यहाँ बोले कि वो एक्सपायर है जी, डॉक्टर ने घोषित कर दिया। तो मालिक ने अभी तक के तो आने रहा है मालिक जी, तो उन्हीं के पास लगा हुआ था काम करना। हाँ जी, उन्हीं के पास लगा हुआ था। कितनी उम्र थी लड़के की? 22 किलोमीटर 24 था जी। और क्या नाम था? मोनू कुमार। आप कहाँ के रहने वाले? कटिहार के रहने वाले, बिहार का जी। यहाँ करनाल में कहाँ? करनाल में घरौंडा रहते हैं। शादी हुई ना जी? शादी। कब पता चला था कि घटना? कल शाम में पता चला जी। कल शाम को पता चला था जी। तो फिर तुरंत आप अस्पताल में आ गए? अस्पताल आए, बोले कि रात में हम लोग को, फिर शाम 7:30 बजे हम लोग काम पर से आए तो बताया कि डेथ बॉडी अंदर करवा रखे हैं। शादी तो नहीं हुई? ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक